अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ईद का तीसरा दिन, दूसरे दिन तो आ नहीं सका, दावत थी दोपहर में भी और रात में भी, बाकी आज भी रात में दावत है तो दोपहर में तो टाइम मिला इसलिए आ गए। बाकी जो है वो कुछ मेहमान मेहमान तो नहीं, खैर आते जाते भी रहते हैं। बाकी फर्स्ट टाइम जो है ना, मैं तो लूंगा भाई, मैं तो लूंगा, दोस्त है उमर, नहीं दिखा चुका हूँ मैं उमर को, और यूट्यूबर भी माशाल्लाह है, फेसबुक भी बेहतरीन जो है ना वो पेज माशाल्लाह रन कर रहे हैं। आज इन्होंने पूछा था मानी भाई सीज़न स्टार्ट हो गया है तो जो है ना वो आपके फार्म की कवरेज करनी है, ना बिल्कुल ज़रूर आए, तो वो आए हुए हैं, उनसे ही मिलवाते हैं कौन सा चैनल है कौन सा पेज है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बाकी जानवरों की प्रोग्रेस देख लेते हैं, फैज़ान भाई आमिर भाई भी अभी अभी होके गए हैं, जानवरों को देख के गए और तसल्ली थी उनको भी, और उन और भाई एक और भाई भी आए हुए सिम्बा के, और सिम्बा और जो है उसके अस्वद के ऑनर वो भी आए हुए हैं ईद के दिन। थोड़ी सी चहल पहल हुई है फार्म पे और जानवर जाहिर है शाम का टाइम हो गया है, खा पी के और बाहर बंदे हैं थोड़े सा भी गंदे हुए हैं। और हाँ एक और शख्सियत जिनका जो है ना काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे आप सब और मैं भी, वो भी जो है ना आखिरकार फार्म पे आ गए हैं। चले शुरू करते हैं वीडियो, उम्मीद है इंशाल्लाह मज़ा आएगा वीडियो पे। भाई सबसे पहले तो ये शामिर भाई हैं, इनसे मिल लीजिए। ईद मुबारक शामिर भाई, कैसे हैं? खैरियत से? कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? खैरियत से ना? बस आप गायब चल रहे हैं। नहीं मैं कोई गायब नहीं चल रहा भाई, ईद के पहले दिन हम मौजूद थे यहाँ पे। सबको पता है भाई नसर भाई आ चुके हैं, नसर भाई हम तो मिल चुके हैं वैसे, आप ईद मुबारक इनको कर लो भाई, लोग भाई आप लोगों को सबको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक है भाई आपको, और खैरियत से पहुंच गए? अल्लाह खैर, शुक्र, तबीयत सही है, घर में सब सही है? सब सही है। सुना है तुम नया तीतल लेकर आ गए, उसको बेच दिया तुमने? भाई नसर भाई का नया तीतर आ गया, देखते हैं किसी दिन इसको भी तफसील से, इसकी भी आवाज़ सुनते हैं। और भाई अशरफ खैरियत है? सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? आपका नाम सॉरी मैं भूला, उसामा भाई, उसामा है? नहीं नहीं भर रहा हूँ भाई। अच्छा शामिर, हाँ भाई जानवर कैसे लग रहे हैं? अपने जानवरों के अलावा बाकी जानवर भी कैसे लग रहे हैं आपका? आई थिंक 2 महीने बाद आ रहे हैं तकरीबन, है ना? तो कैसी प्रोग्रेस लग रही है? अच्छे चल रहे हैं, ग्रोथ माशाल्लाह, वही ना ओवरऑल बात हो ना तो मजा रहता है। ठीक है अलहमदुल्ला, चले आप इंजॉय करें। बाकी जानवरों को भी जो है ना देखते हैं, ये हैं बहुत लंबे से ऊंचे से, इनको जो है ना दूर से वीडियो बनानी पड़ती है और गैजेट्स को अपने तरह चेक कर रहे हैं। भाई तुम किसी बछड़े के आगे नहीं खड़े हो ना, वरना वो चुन्ना सा लगेगा चाहे जितना ही बड़ा। क्या हाल है उमर भाई? उमर भाई नाम है इनका, झिझकते हैं फ्रंट पे आने में इतने सालों से, हालांकि माशाल्लाह एक यूट्यूबर भी हैं। और जब मैंने यूट्यूब का स्टार्ट किया था उमर भाई ने भी स्टार्ट लिया हुआ था मेरे से पहले से माशाल्लाह से, और लेकिन इनका ध्यान फेसबुक पे ज्यादा है। फेसबुक पे सोराब गोट काव मंडी कराची वन, कराची वन के नाम से इनका पेज है, और काव मंडी 021 के नाम से जो है ना यूट्यूब चैनल है, तो वो भी जाके आप लोग देखिएगा फॉलो कीजिएगा। जी उमर भाई क्या सीना, अभी जानवर देखे वीडियोस तो आप देखते हो, कमेंट भी करते रहते हो माशाल्लाह? वीडियो देखता रहता हूँ, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, यही वजह थी कि मैंने अपने सीजन का स्टार्ट मैंने का करूंगा तो मानी भाई के फार्म से करूंगा। यार क्या बात है, सीधा यहाँ पे आया हूँ और माशाल्लाह आपके जानवर क्योंकि स्टार्ट से मैं वीडियो में देखता रह रहा हूँ। जी जी, वीडियो की बात अलग है, जो यहाँ दिख रहे ना मानी भाई, नो डाउट बहुत ही आला, माशाल्लाह बहुत ही आला। आप तो माशाल्लाह ऑब्वियसली कवरेज करते रहते हैं फार्म्स की और सालों से देखते आ रहे हैं, ये मेरा एक तरीके से फर्स्ट ईयर है। आप फर्स्ट ईयर के हवाले से मतलब हिसाब से कैसे एक रिव्यू करते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि फर्स्ट ईयर है, उसमें भी इतना जबरदस्त चेंज मैं देख रहा हूँ क्योंकि शुरू में वीडियो में मैं देख चुका हूँ। जी जी, जब बछड़ा आ रहा होता है आप वो भी वीडियो करते हैं, जी तो मैंने देखा है चेंज, जो वीडियो की निस्बत लाइव देखने में बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ ये बात सब कहते हैं, बनाओ उनकी बनावट उनका वजन बहुत ही आला। बहुत शुक्रिया, तो सबको रिकमेंड भी करूंगा आके एक दफा लाजमी देखें। हाँ देखने का भी रिकमेंड कर दे, अभी पलाई का रिकमेंड नहीं, अभी फिलहाल रुकवा दे। अभी आप हमें मना करती है पलाई के लिए, जगह नहीं है, जगह का इशू है भाई, जो बात है अभी फिलहाल जगह का है मामला। पलाई माशाल्लाह आपकी जो है ना वो काबिल, बहुत शुक्रिया उमर भाई आपकी इतनी तारीफ का। बाकी आप रेडी करें, मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ फिर इंशाल्लाह आपके लिए अवेलेबल होता हूँ, और जानवर यहाँ से भी दिखा देता हूँ। शामिर आज ईदी लेने के चक्कर में मेरे से पीछे पीछे घूम रहा है, और जो ना बोल रहे
भाई माशाल्लाह जो है ना, ये जो है ना भाई पार्टीशन जो अलग किए थे अपना पानी किकू, इनका पानी नहीं भरा हुआ, भरा था ये बकरे नहीं है, दो बार भरा है ना, ये बकरे नहीं है असल में। इनका इंटेक ज्यादा है ना मेरी जान, इनका पानी देखो ड्रम को साफ करके वापिस भर दो। माशाल्लाह भाई आपकी बच्ची भी माशाल्लाह सेट चल रही है भाई, सब चारा पूरा खा रहे हैं ना, दूध पिला दिया, दूध नहीं पिलाया अभी, पिला दो इनको दूध पिला दो, बकरे सेट हैं, दुम्बे दिखा देता हूँ बिल्कुल ओके की रिपोर्ट चल रहे हैं अल्लाह के करम से। बाकी एक एक आध बकरे को जरा मोशन हो रहे हैं, उनको ये नसर भाई और समीत जो है ना एवरेक्स वगैरह पिला रहे हैं और सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। बाकी हाँ एक और धुम्मी ने बच्ची दे दी है, फीमेल खजली हुई है और उसका बाप ये है, बिल्कुल बाप पे जो है ना थोड़े से पॉइंट्स भी आ गए, हालांकि बाप पे इतने नहीं है डॉट्स वगैरह, लेकिन उसके माशाल्लाह आए हैं। अच्छा जो है ना भाई वो मेरे कज़न है, उन्होंने मुझे मना किया बच्चे बच्चे जो है ना दिखाने से, ज़रा पास से तो दूर से ही दिखा दिया, वो बैठी हुई वहाँ पर ना बिल्कुल वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से। हाँ वो कजले के जो पॉइंट्स नोट किए जाते हैं 5 पॉइंट्स हैं समीप, 5 पॉइंट्स पूरे हैं, पूरे अच्छा नकोड़ी माशाल्लाह अच्छा, थोड़ी बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह फिर दिखाते हैं। और प्रीवियस वाली दुम्बी तो आपने देखी थी जो छोटी बच्ची है, अरे बोला भाई बोला, नसर भाई का तीतर बोला अच्छा जी। इरफान भाई आए आज बड़े दिन बाद, इरफान भाई भी आ गए भाई, बाकी जो है वो पानी वानी पिला के उनको बांध दिया, पॉपकॉर्न माशाल्लाह है माशाल्लाह। बाकी सब सुकून से बैठे हैं, सिम्बा का थोड़ा मोरा टाइट हो गया था तो आज जो है ना मोरा उतरवाया उसामा भाई ने आके फोन पे, बाकी सब भी हैं। मैं जरा पॉज करके लेंस ऑफ करूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या रहे हैं भाई, खैरियत से? अभी सही, आप कैसे हैं? इरफान भाई हैं, आज बहुत सारी वीडियो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? और नसर भाई भाई ईद मुबारक हो, ईद मुबारक, ईद है तो ईद मुबारक ही कहेंगे ना शाबिर, क्या मतलब है? आज दिखा रहे हैं हम आपको किस तरह सब लोग ईद मिल रहे हैं एक दूसरे। अच्छा अच्छा हाँ नसर भाई ईदी मांग रहा है, चले बछड़ियों की तरफ चल लेते थोड़ा और जो ना बछड़ियों को देख लेते हैं। नसर भाई आ गए, हो सकता है बराका का वेट जो है ना करवा लें, क्योंकि नसर भाई की कंट्रोल में ये रहती है, तो नसर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे जो है ना वो ज़रा माशाल्लाह। ये बहुत छोटी सी लग रही है ऐसे इस एंगल में, बहुत चुन है तो छोटी बछड़ियों में सबसे छोटी हमारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही छोटी लग रही है वीडियो में, बस इंशाल्लाह अब जो है वो, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सीना बेहतरीन। और ये रानी बिल्कुल जब से इसको हमने जो है बीज दिलवाया है बहुत सीधी हो गई है इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। लाल परी और ये अटैक, ये गंदी बच्ची है अटैक करती है, रानी का सीना चेक करें माशाल्लाह क्या बात है यार, लाल परी भी माशाल्लाह, मिर्ची का सीन ही माशाल्लाह उतरा अच्छा बेहतरीन। अच्छा आज जो है वो क्या नाम है अपना सूरज के आगे जो है ना असल में बादल आए हुए, ये बादल है या जो भी भारत, तो इस वजह से रोशनी थोड़ी वो हो रही है हल्की, बटरफ्लाई ब्राउनी की आप कमर चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह से
माशाल्लाह। अच्छा जी, ओहो, ये ईद ही मिली है इनको। शामी ने झुनझुने पहनाए, ना आपको भी पहनाए होंगे फिर। माशाल्लाह बेहतरीन, ये भी माशाल्लाह सेहत हो गई इसकी भी जबरदस्त। इसकी भी जख्म हो गया, ये रस्सी का निशान है, रस्सी की वजह से हुई है। ये चेक करें, गोल गेंद ये भी सेट है, वारा सा भी माशाल्लाह सेट है। पॉपकॉर्न मैंने दिखा दिया, बस 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 भाई बस। पैंथर लगे गरम से, अभी सारे माशाल्लाह प्रोग्रेस प्लस में ही है सब जानवरों के। राजू राजा, हाँ अकड़ ले तू भाई, चलो आगे जाओ। नसर भाई आ गए इंशाल्लाह, जानवरों को जो है ना कहूँगा इनको सब सबको नहलाना जो है ना वो शुरू करें, दोबारा से सफाइयाँ शुरू करें इनकी। हाँ रकम भी इसका माशाल्लाह से सेट हो गया, अलग गरम से सूख गया आपको। चले जी आगे चलते हैं, शबार्डर भी माशाल्लाह सेट है। नयाब के उतार दिए, ये नयाब को नहीं पहना है झुंझुने, झुंझुने नयाब को नहीं पहना है। हाँ पहनाई तो उतार दिए, क्यों वो लग रहा था पूरा। अच्छा माशाल्लाह, ये बड़े बच्चे बैठे हैं यहाँ चार हमारे, चार ये बड़े बच्चे यहाँ होते हैं और एक बड़ा बच्चा वहाँ होता है। बाकी नसर भाई जाना फिर से घर वालों के लिए गिफ्ट लेकर आए हमारे, अब वो घर पे असल में आए थे आज तो घर पे ही जो है ना वो क्या नाम है रख दिए। मैं अगर हो सकेगा तो तस्वीर उसकी शेयर कर दूंगा कि क्या गिफ्ट लेकर आए। माशाल्लाह तक घर के हाथ से बने हुए जो है ना गिफ्ट हैं। उमर जो है ना भाई वो स्टार्ट ले लिया उमर ने, तो ऐसा करते हैं उसको टाइम देते हैं थोड़ा सा, और इरफान भाई भी आए हैं काफ़ी दिन बाद आए, फिर हमसे बात करते हैं फिर अगर हो सकेगा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, उमर भाई के साथ वीडियो कर रहा था, शामीर ने भी थोड़ी वीडियो जो है ना वो करी है, बाकी जो है ना जानवर मैंने खैर आप लोगों को दिखा दिए, और समीर जो है ना वहाँ जाके दुम्बी के बच्चे को असल में उसका एक वीडियो बना के रख लेते हैं कि पैदाइशी जो होती है ना फिर उसके बाद बड़ी हो बिफोर आफ्टर में माशाल्लाह फिर अच्छा लगता है। अब कितना चेंज हुआ है। उमर भाई कैसा लगा आखिरी, अब एंड तो करते ही है ना, आपने तो खैर वीडियो करी फिर से, वंस अगेन मैं आपको अपनी वीडियो में बहुत शुक्रिया कहता हूँ भाई। उमर मैं बताऊँ, उमर भाई ने इस सीज़न का स्टार्ट जो किया है ना यानी 2022 की कवरेज का स्टार्ट किया है, और वो यहाँ आके अपने फार्म से यहाँ से किया है यार। आप बताएं यार उमर भाई, मतलब इतनी मोहब्बत यार, असम से दिल बाग बाग। एक वो एक होता है ना यार, मैं आप लोग मैं पब्लिक से बात करूँ, अगर मैं आप लोग बताऊँ उमर माशाल्लाह मतलब वो फेस इतना फेस नहीं आया हुआ ना, तो बहुत से लोग होते हैं नहीं जानते, चैनल को भी फॉलो कर रहे हो सकता है नहीं बताओ फिर भी तो, लेकिन मैं आपको बताऊँ माशाल्लाह कवरेज के अतबार से उमर पता नहीं कितने ही सैकड़ों फार्म से कवरेज भी कर रहा है, और जो है ना बहुत सालों से कर रहा है, लेकिन जो है इसने 2022 का जो स्टार्ट लिया है सीज़न का वो मेरे फार्म से यहाँ पर आके लिया है भाई, करीम्स गोल्डन कटर फार्म। ये एक दिल को एक मतलब मेरे अंदर वो क्या कहते हैं उसको, दिल बाग बाग हो जाना, गार्डन गार्डन टाइप हो जाना जो है ना, तो मुझे वो चीज़ एक बहुत अच्छा लगा। मुझे वहाज भाई ने अभी उन्होंने मलीर मंडी कर दी थी, लेकिन फिर भी फार्म्स के अतबार से वो फार्म यहाँ पर आए थे, और अभी भी पब्लिक उनको काफ़ी कह रही है कि मानी के फार्म पे जाओ। कैटल क्रेज वाले उनको भी काफ़ी इंसिस्ट कर रहे हैं लोग, मैंने बुलाया वो अभी बातचीत भी चल रही है, वो खुद स्कैजुअल्स उनके टफ हैं यार, बात हो रही है कह रहा है यार रमज़ान में तरतीब मेरी नहीं बन सकी, उन्होंने कहा था आ रहे हैं
ये मेरी तरतीब नहीं बन सकी। फिर अभी यही बात हुआ है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह देखें किस दिन आते हैं, लाइव करते हैं या क्या होता है। और भाई बहुत शुक्रिया, तो आपकी कवरेज पूरी हो गई है, तंग तो नहीं करा ना मैंने, ठीक है इंशाल्लाह। नहीं शुक्रिया कि मैंने सोचा था मैं रमजान से पहले आने का मेरा था, सही लेकिन शेड्यूल इतना टफ चल रहा था कि मौका नहीं मिल पा रहा था, इस संडे जा रहा हूँ, संडे वो रहता ही गया बिल्कुल। फिर रमजान के बाद मैंने माइंड बनाया हुआ था कि पहला वो यही मैंने आगे करना है। आई थिंक कल मैसेज कल ही किया ना रात के दिन मैंने आपसे टाइम मांगा, माशाल्लाह आपका बड़ा था लेकिन आपने कहा नहीं, शुक्र अल्लाह का यही है कि आज कोई स्केड्यूल नहीं था और फिर इसलिए अब कल भी इवेंट है, HD पे इवेंट है, परसों की कोशिश यही है कि फार्म ही आऊं और फिर इतवार को फिर अम्मा के फार्म पे इवेंट है, तो आप भी आइएगा वहाँ पे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह। और भाई चले जी दोस्तों, आप लोगों का भी शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए, और मैं ज़रा कुछ जो है ना मामला देख लूँ, जानवरों को सही से देख लूँ, और शामीर को भी कुछ कोई थंबनेल वंबनेल निकालना है, वीडियो को भी कंप्लीट करनी है तो वो कर लेते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में आज की वीडियो कैसे लगी, इंजॉय किया हो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो भाइयों सब्सक्राइब कर लो, सीज़न आ गया है बस, अब अल्लाह हाफिज़।